हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गो रैपिड चैनल। पूरी वीडियो देखने के लिए गो रैपिड के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। आज हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ जिले के बारे में। तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। यह शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर है। आजमगढ़ शहर के बीचों बीच से तमसा नदी बहती है और आजमगढ़ का मुबारकपुर बनारसी साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। आजमगढ़ में बहुत सारी ऐतिहासिक जगह मौजूद है जहां पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और वहां इंजॉय करते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ आजमगढ़ की 10 घूमने वाली जगहों को शेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 9 पर है मुबारकपुर। मुबारकपुर आजमगढ़ जिले मुख्यालय से उत्तर पूर्व में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इस जगह को कासिमाबाद के नाम से जाना जाता था। इस जगह को दोबारा राजा मुबारक ने बसाया था। यह जगह बनारसी साड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। इन बनारसी साड़ियों का निर्यात पूरे वर्ल्ड में होता है। इसके अलावा मुबारकपुर का गाजर का हलवा पूरे देश में फेमस है, जो कि यह गाजर का हलवा सफ़ेद कलर का होता है। अगर आप एक बार इस गाजर हलवे का टेस्ट ले लिए तो आपको दोबारा खाने से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 8 पर है आजमी हाउस मिजवा। आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के मिजवा गांव में स्थित बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी का पैतृक घर को देखने के लिए आजमगढ़ के अलावा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। यह घर शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी ने बनवाया था, जहां वो रहा करते थे। और शबाना आजमी भी साल भर में एक दो बार यहाँ कुछ दिनों के लिए ज़रूर आती हैं, जहाँ उनके फैंस का जमावड़ा लग जाता है। नंबर 7 पर है निज़ामाबाद। निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जाने के लिए सबसे फेमस जगहों में से एक जगह है। यह एक छोटा सा नगर पंचायत कस्बा है, जो अपने कल्चर और विरासत के लिए जाना जाता है और हजारों लोगों को दूर दूर से अपनी तरफ खींचता है। यह पूरे इंडिया में फेमस है, जिसे कई रिलीजियस जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर गुरु नानक ने खुद यात्रा की थी, इसलिए यह सिखों के लिए भी एक पवित्र जगह है और यहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। इसके अलावा यह शहर अपनी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरे भारत में फेमस है, जिसे चांदी के पैटर्न के एक चमकदार रूप दिया जाता है। टूरिस्ट यहां आने पर इस मिट्टी के बर्तन को जरूर साथ ले जाते हैं। नंबर 6 पर है सरायमीर। सरायमीर आजमगढ़ जिले का सबसे मशहूर कस्बा और मार्केट है। सरायमीर को छोटी दुबई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मार्केट अच्छे अच्छे शहर की मार्केटों को टक्कर दे रही है। यहाँ की लेडीज मार्केट हमेशा औरतों से भरी होती है। यहाँ पर आपको एक मार्केट में हर तरह के विदेशी सामान मिल जाएंगे, शायद इसलिए इसको छोटी दुबई बोली जाती है। अगर आप सरायमीर के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको यहाँ की मार्केट में जरूर आना चाहिए। नंबर 5 पर है तिरंगा पार्क। तिरंगा पार्क आजमगढ़ के नरौली में मौजूद है। यह पार्क तमसा नदी के करीब स्थित है। शहर के नरौली तिराहे के बीच स्थित इस तिरंगे की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर किया गया था। यह पूर्वांचल के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है। इस पार्क को देखने के लिए आजमगढ़ से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। नंबर 4 पर है जायका दरबार। अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं तो आजमगढ़ के इस ढाबे पर जरूर विजिट कीजिए। जायका ढाबा अपने लजीज खानों के लिए आजमगढ़ में ही नहीं आसपास के शहरों में भी बहुत ही फेमस है, जहां दूर दूर से लोग यहां के लजीज खाने का लुत्फ़ लेने के लिए आते हैं। यहां पर आपको हर तरह की डिश मिल जाएगी। यहां पर आपको बच्चों को खेलने के लिए भी अच्छा इंतजाम मिल जाएगा। नंबर 3 पर है दौलत इब्राहिम का मकबरा। दौलत इब्राहिम का मकबरा आजमगढ़ का एक ऐतिहासिक जगह है। दौलत इब्राहिम का मकबरा आजमगढ़ के मेहनगर इलाके में मौजूद है। यह मकबरा मेन रोड पर ही स्थित है। इस मकबरे के आसपास में तालाब भी बना हुआ है, जिससे यह मकबरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह मकबरा पूरी तरह पत्थर का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मकबरे का एक बड़ा सा गुंबद है और आप यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। यह आजमगढ़ की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 2 पर है शिबली नेशनल कॉलेज। अल्लामा शिबली नोमानी द्वारा 1883 में स्थापित यह कॉलेज VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से एफिलिएटेड है और यह अपने अनुशासन और अच्छे टीचरों के लिए बहुत ही फेमस है। और शिबली कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट आज देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं।
सिबली कॉलेज आजमगढ़ का ही नहीं या उत्तर प्रदेश के अच्छे और फेमस कॉलेजों में से एक है जहां पर हर कोई पढ़ना चाहता है। नंबर एक पर है आजा वाटर पार्क। आजा वाटर पार्क आजमगढ़ के बाईपास रोड पर स्थित है, जो कि यह एक खूबसूरत और मनोरंजक स्थल है। यह वाटर पार्क आजमगढ़ जिले में एक माना जाना वाटर पार्क है, जो कि इस जिले का एकमात्र वाटर पार्क है। इस पार्क में गर्मियों के टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर आजमगढ़ के अलावा आजमगढ़ के आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। ये थी आजमगढ़ की 10 सबसे खूबसूरत जगह जहाँ आप आजमगढ़ में जाके घूम सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि लोग देख के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।